तो दोस्तों फोस्ट्रोक का स्टार्टर है आज मेंटेनेंस करना है और उसकी छोटी मोटी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो फोस्ट्रोक की जो भी बजाज की गाड़ी है आपके पास, तो कब खोलना है और कब उसका सर्विसिंग और कैसे कैसे चीज़ें इसको फिट करना है, ये सब चीज़ें आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए लास्ट तक। और मेरा नाम है अनिल बागुल और मेरे चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो सबसे पहले मेरी जानकारी लिए, मैं अनिल बागुल और मैं ऐसी चीज़ें वीडियो बनाते रहता हूँ। तो फिलहाल ये सापुतारा है और ये रोपवे का ऊपर से नज़ारा है और घूमते घूमते और वीडियो की भी जानकारी देता रहूँगा। तो फिलहाल फोस्ट्रोक गाड़ी है और उसको आपको खोल लेना है, क्योंकि क्यों खोलना है और कब खोलना है इसकी जानकारी मैं इसको अभी स्टेप बाय स्टेप आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी मेरा दोस्त इमरान जो अभी फिलहाल जो फोस्ट्रोक का स्टार्टर है मुझे खोल के दे रहा है, जो हेल्प कर रहा है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए दो इंसान की ज़रूरत होती है और उसके बाद दूसरे भी और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो फिलहाल अभी लाइन में लगी है। तो फिलहाल मैं ये टॉमी आप देख सकते हैं, छोटी एलंकी है, ये दो चीज़ें आपको स्टार्टर खोलने के लिए ज़रूरी है, होंगी तो ठीक है, या फिटर या मिस्त्री के पास से एक बार खोल लेना है। क्योंकि दोस्तों आप गाड़ी नई जब लेते हैं शोरूम से, उसके बाद आपको कभी यूज़ नहीं करते और खोलते नहीं। तो फिलहाल अभी ये ब्रश किट है जो असेंबली है, उसकी कीमत है 240 रुपीज़, मतलब 240 रुपये MRP है। अभी स्पेयर पार्ट की दुकानों में उसके अलग अलग रेट MRP हो सकते हैं। फिलहाल ये महाराष्ट्र में और मैं नासिक में हूँ। तो फिलहाल अभी ये स्टार्टर खोलने के लिए आपको क्या क्या करना है ये देख सकते हैं। ये पहले ऑयल का पंप है जो उसकी ट्यूब है, उसे खोल लेना और एक जगह लगा देना है, क्योंकि दोस्तों फिर उसके बाद ही बैटरी की वायर भी निकाल देनी है। ये एक एक काम स्टेप बाय स्टेप जरूर करना है दोस्तों। फिर उसको हल्के हाथों से पीछे की तरफ खींच लेना है और हिलाते हिलाते बैक की तरफ ऐसे हिलाते रहना है दोस्तों। फिलहाल अभी फोस्ट्रोक का स्टार्टर खोलने के बाद ही आपको हर एक चीज़ की जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। फिलहाल आपकी गाड़ी जब भी आप स्टार्टर खोलना चाहते हो तो पहले एक बात ध्यान में रखना है, ये खुलते समय जो स्टार्टर है उसके पीछे पीछे लेते, फिर नीचे की जगह करने का उसका मुँह जो बेंटेक्स का ऊपर निकाल देना, क्योंकि ये बहुत जल्दी निकलता नहीं और बहुत प्रॉब्लम देता है फोस्ट्रोक का दोस्तों। टू स्ट्रोक हो या फोस्ट्रोक, आपको ऑटो रिक्शा ज्ञान ये चैनल ढूंढने के लिए गूगल या यूट्यूब पे सर्च इंजन में जाने के बाद अनिल बागुल या फिर ऑटो रिक्शा ज्ञान ये टाइप करना है। उसके बाद ये सर्च मारने के बाद आपको मेरे बहुत से वीडियो आपको मिलेंगे, वीडियो पूरे देखने के लिए या फिर मुझे फॉलो या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एरो जिस तरह नीचे आ रहा है, उसके बगल में आपको बेल आइकन दिखेंगे, बेल आइकन दबाने के बाद आपको बहुत सारे वीडियो और मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलो वीडियो को आगे के शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी स्टार्टर खुल चुका है, ये जो 10 के नट है उसके टिप आने से खोल लेना है। तो ये काम धीरे धीरे और आराम से करना है दोस्तों, क्योंकि आपको एक ट्रे चाहिए और ट्रे अच्छी तरह पोंछ लेना है, साफ़ सुथरा करके लेना है और उसके बाद ये टिप आने से उसको खोल लेना है। तो दोस्तों ये काम टिप आना छोटा या बड़ा, फिलहाल तो अभी कैमरा मैंने इस तरह फिट किया है, तो खाली आपको स्टार्टर का जो पिछला भाग है वो दिखा रहा हो, जो उसके दो नट है, जो बॉडी कवर जो ब्रश का ऊपर भाग है उसे खोल ले रहा हो। क्योंकि ये पूरा खोलने के बाद आपको अंदर की जो चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है और उसकी समझना है और उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों आप बड़ी गाड़ी जब फोस्ट्रोक गाड़ी लेते हैं या टू स्ट्रोक कोई भी गाड़ी लेते हैं, तो एक बार शोरूम से लेने के बाद आप जो किक का यूज़ तो करते नहीं और उसके बाद जो स्टार्टर है वही यूज़ करते हो। स्टार्टर यूज़ करने के बाद बार बार सेल मारने के बाद तो जो अंदर आर्मेचर और ब्रश है वो घिस जाते हैं और उसके अंदर से जो निकलने लोहे के कण है या जो भी बारीक कचरा है वो अंदर ही रह जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आर्मेचर और इधर उधर चिपक जाते हैं मैग्नेटिक के थ्रू, फिर उसके बाद जो शॉर्ट हो जाता है या फिर जल जाता है या ख़राब भी हो सकते हैं। तो उसके बाद और दोस्तों ये अभी फिलहाल खुल चुका है आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक बात और, जो आपकी बैटरी है वो भी जल्दी डाउन हो जाती है, ख़राब भी हो सकती है, इसलिए उसको ध्यान रखना है। फिलहाल ये पूरी तरह पैक है तो इसको धीरे धीरे खोल लेना है और उसके बाद ध्यान में रखो जो स्टार्टर जब खोलते समय जो उसके जो बॉडी है, बॉडी पे एक टेक मार्क करके रखना है। तो दोस्तों अभी फिलहाल ये खोल लिया है, ये ऊपर का हिस्सा है जो बेंटेक्स से ऊपर का कवर है, उसके बाद ये बेंटेक्स है और ये बेंटेक्स और बॉडी का जो स्टार्टर का कवर है उसके बीच का है, फिर ये मैग्नेट है देख सकते और ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर और उसके बाद ये ब्रश। तो फिलहाल अभी इसे अच्छी तरह धोने के लिए आपको डीजल या पेट्रोल इसमें से या फिर केरोसिन भी यूज़ कर सकते। तो फिलहाल मेरे पास पेट्रोल है और ये दोस्तों देख सकते हैं आप ब्रश की असेंबली या जो ब्रश अभी फिलहाल जो ख़राब है वो मैं निकाल दूंगा और नए वाले ब्रश उसमें डाल दूंगा, क्योंकि उसको लगाने से पहले आपको साइन पेपर या पॉलिश पेपर घस के लेना है और फिर उसके बाद ही फिट करना है, क्योंकि उसके ऊपर कार्बन होता है दोस्तों। फिर स्टार्टिंग में जो मैग्नेट तैयार नहीं होता और गाड़ी के अंदर से जो आने वाला बैटरी के थ्रू करंट है जो आर्मेचर में आता नहीं और अच्छी तरह से वर्क करता नहीं, फिर आप बोलते काम किया है फिर चल क्यों नहीं रहा है दोस्तों। क्योंकि हर चीज़ के ऊपर कार्बन आ जाने के बाद उसमें जो मैग्नेट है वो पूरी तरह तैयार नहीं होता है और फिर गाड़ी स्टार्टिंग का प्रॉब्लम देती है दोस्तों। तो फिलहाल अभी कैमरा तो हिल रहा है थोड़ा थोड़ा, पर फिलहाल देख सकते हैं ये जो जो ब्रश का जो किट है जो उसका एक साइड में रखा है पुरानी वाली, उसके बाद पेट्रोल लेना है दोस्तों जो कैर जो ट्रे में रखे हुए पूरे पार्ट में थोड़ा भिगा के रख देने का है, जिसके कारण अंदर का जो भी कचरा है वो थोड़ा सा जो है गीला होने के बाद निकल जाता है। और उसके बाद एक ब्रश होता है आधा इंची एक इंची जो भी हो, अच्छी तरह से उसको नीचे ऊपर से पूरी तरह साफ कर लेना है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर धूल मिट्टी और लोहे के छोटे मोटे कण होते वो चिपक जाते और निकलते नहीं, फिर उसके बाद ही जो आर्मेचर हो या फिर स्टार्टर में ख़राब होने का कारण उसी से शुरू हो जाता है। इसलिए उसे मेंटेनेंस क्यों करना का है दोस्तों, क्योंकि वो बार बार तो खोलने का नहीं, ये साल में या आपको जब भी वक्त मिले उसको खोल लेना है, क्योंकि स्टार्टर आप एक बार फिट करना देखते भी नहीं अंदर क्या प्रॉब्लम होता है क्या नहीं, और उसी की वजह से बैटरी भी आपकी जल्दी ख़राब हो जाती है।
तो दोस्तों फिलहाल अभी वीडियो तो आपको मेरी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ समझ में आया। मैंने पहले जब यूट्यूब पे पहला चैनल खोला था, जब सबसे पहले वीडियो जो स्टार्टर का ही डाला था, क्योंकि मैं तब जानकारी नहीं थी। बहुत से ऑटो ड्राइवर बोलते थे तुम आपकी गाड़ी में ज़्यादा काम नहीं निकलता, क्यों ऐसे क्या है। तो दोस्तों फिलहाल मैं यही काम मैं करता रहता हूँ, थोड़े पैसे जाते हैं पर हमेशा के लिए या बहुत दिनों तक लंबे समय तक मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़ता है। इसलिए उसको मेंटेनेंस के थ्रू आपको धीरे धीरे यही चीज़ें समझने और आगे जाके दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि जानबूझ के तो मैं बोलता नहीं कि आप स्टार्टर खोलो और काम करो, पर एक बार खोल लेना चाहिए जो बेंटेक से कोई भी चीज़ है अच्छी तरह से धो के और साफ़ करने के बाद ही फिट करना, क्योंकि दोस्तों अंदर ग्रीस ऑयल या फिर उसके जो ब्रश है उसके आर्मेचर के ऊपर आने वाला कार्बन है, ये इस तरह साफ कार्बन साफ़ करने के बाद साइन पेपर का उसको इस तरह से जो ब्लेड है एक्सल ब्लेड उसके अच्छे तरह अंदर से वो निकाल लेना, क्योंकि इसके अंदर जो छोटे मोटे कण जाने के बाद ये शॉर्ट हो जाता है और जल जाता है। और दूसरा है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये फोर स्ट्रोक के चार ब्रश है और टू स्ट्रोक के दो ही होते हैं। तो फिलहाल ये चार ब्रश को इस तरह लगाना है जिस तरह मैंने फिट किया है, जो तार की वजह से उसको पीछे से करने के बाद उसकी स्प्रिंग के पीछे खींचना है और उसके अंदर डाल के उसको लॉक कर देना है, जिसके बाद आर्मेचर फिट हो सके। तो दोस्तों ये आधा अधूरा काम पूरा करने पर इस तरह फिट कर देना है, ऊपर से डालने का उसको एक एक करके तार निकाल लेना है, क्योंकि अभी कैमरा मेरे हाथ में और वीडियो करने के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि फिटर अभी दूसरा काम कर रहा है और उसको बुलाने से अच्छा मैं आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ और आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं दोस्तों। पहले ध्यान देना है और स्टेप बाय स्टेप वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहेंगे तो ही आपको पता चलेगा हर चीज़ के बारे में। आप दोस्तों क्या करते हैं, आधे अधूरे वीडियो देखते और जानकारी लेने के बाद ही, क्योंकि दोस्तों हम पहले से ये काम करते हैं ये चीज़ों के, इसलिए हम वीडियो अच्छी तरह से बनाने के बाद उसको एडिटिंग करने के लिए और आपको समझाने के बाद ही आप आगे की वीडियो बनाते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि वीडियो दूसरे का देख के हम बनाते हैं या फिर कमेंट करने के लिए या फिर कुछ, दोस्त ऐसा कुछ नहीं, ये सब आपके लिए। देखो आप अच्छी जानकारी सब रखेंगे तो आपको आगे जाके यही चीज़ें बहुत काम में आने वाली है, क्योंकि कोई फिटर या मिस्त्री आपको जो आपको फंसा सकता है या फिर आपको लूट भी सकता है, इसलिए हम ऐसा काम ना हो इसलिए वीडियो बना रहे और आप समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ गई हुई या ख़राब है, ये चीज़ समझने के लिए मैंने वीडियो बनाया। तो फिलहाल अभी ये जो मैग्नेट है उसको साफ सफाई करने के बाद इसको टैग मार्क करने का, खुलने से पहले ही टैग मार्क कर लीजिए, बाद में ना करिए, मैं बताना भूल गया। देखो ये यहाँ उसको एक्स्ट्रा ब्लेड से उसको घस चुका है, यहाँ फिट करना है, क्योंकि फिर आगे पीछे होने के बाद जो फिटिंग है आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तभी आर्मेचर के पास यहाँ फिटिंग को देखो, देखो दोनों की जगह टैग मार्क करा, जो एक जो बोलते लाइन खींची हुई मैंने एक्स्ट्रा ब्लेड से जो आपको दिखाई देती है, पता नहीं फिर दोस्तों फिर ये काम जरूर कर लेना। अभी फिलहाल ये काम होने के बाद, ये फिटिंग होने के बाद आप देख सकते हैं आर्मेचर फिटिंग हो चुका है और ऊपर का जो कवर और आखिरी बेंटेक्स है वो भी फिट कर देना है। फिर बेंटेक्स फिट होने के बाद उस पर थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा देना है दोस्तों, जहाँ जहाँ जो ऊपर की जगह है वहाँ ग्रीस लगाने से क्या होता है दोस्तों, स्टार्टर चालू होने के बाद जो गर्मी निकलती है उसके आसान गर्मी ना हो या गर्म ख़राब ना हो, इसलिए मैं थोड़ा ग्रीस लगा देता हूँ और वो लगाना भी चाहिए। अभी तो कोई बोलेगा नहीं लगाना चाहिए, ऑयल डालना चाहिए, पर ग्रीस ज़्यादा दिन टिकता है और ऑयल निकल जाता है दोस्तों। और उसके बाद जो मैंने रबर पैकिंग के जो डाले थे वो भी ध्यान में रखना, क्योंकि वो टूट फूटे थे रबर, वो भी डाल के रखने, वो 20 रुपये का एक रबर आता है, तो दो रबर है उसके जो आर्मेचर के और बॉडी के ऊपर मैग्नेट के यहाँ लगा देना है, क्योंकि उसके अंदर से पानी ना जाए और आर्मेचर जल ना जाए, इसलिए वो लगा देना है। तो दोस्तों अभी वीडियो तो पूरा देख रहे हो लास्ट तक, तो अभी फिलहाल ये 10 के नट है उसको देख सकते हैं बॉडी कवर के ऊपर के, वो भी फिट कर देना है और अच्छी ताकत से। पर दोस्तों ध्यान रखिए पूरा एक जगह एक नट को पूरा कसा नहीं, उसको थोड़ा आधा इधर का और आधा उस तरफ का दोनों ऐसे धीरे धीरे करके फिट करना है, जिसके कारण जो मैग्नेट और आर्मेचर और उसके ऊपर जो बेंटेक्स है वो सही ढंग से वर्क करें, तो थोड़ा भी टेढ़ा हो सकता है तो वो टूट सकता है और नुकसान हो सकता है, इसलिए ये काम धीरे धीरे करना है। चलो दोस्तों वीडियो तो बनते रहेंगे, मैंने फोर स्ट्रोक की किक का वीडियो है, क्लच प्लेट का है, क्लच वायर का है, जो बहुत ही आसान चीज़ है जो आप देख सकते हैं मेंटेनेंस के थ्रू कि आपको आगे जाके क्या कर सकते हैं फोर स्ट्रोक गाड़ी का, जो आगे जाके आपको गाड़ी के अंदर जो भी है गाड़ी का ऑयल लेवल कैसे करना है, टॉप अप बोलते हैं, उसके बाद गाड़ी के अंदर का जो मशीन के जो भी हेड असेंबली हो उसका भी वीडियो बनाए। तो दोस्तों ये छोटी मोटी वीडियो होते हैं वो देख लेना चाहिए, आगे जाके आपकी गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो आपको हो ना जाए और अच्छे से वीडियो को समझ सकते, तो आप दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। और मेरा नाम तो आप जानते हैं, मैं अनिल बागुल और मेरे चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि गूगल और यूट्यूब पर सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे, पर आपको कौन सा वाला जो चैनल है ऑटो रिक्शा के बारे में जो आपके सही काम का है और आपके समझ में आए उसी का नाम वही वीडियो जो मैं बनाता हूँ और आपको पसंद भी आते हैं। अभी फिलहाल मेरे जो वीडियो जो 1 मिलियन के आसपास होने जा रहे हैं फिलहाल, और सब्सक्राइब भी अच्छे आपके जो दुआ है और आपके प्यार मोहब्बत से सब्सक्राइब भी 1000 के आसपास पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही कारण होता है लोगों को पसंद आते हैं, इसलिए लोग एक दूसरे को ये वीडियो शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो कहाँ तक पहुँचे वो भी जानकारी दे सकते हैं। जैसे हमें पता चले फिलहाल तो अभी हम नासिक से हो जो महाराष्ट्र में, मैंने पहले वीडियो जो बनाया था मराठी में बनाया था दोस्तों जो स्टार्टर का, तो फिलहाल तो मुझे पता नहीं था वीडियो की एडिटिंग और बाकी चीज़ें आपको समझाने के लिए। फिलहाल ये टिप आना है दोस्तों 10 का, इसको अच्छी तरह से धीरे धीरे फिट करना है, वो भी ध्यान में रखना है। वीडियो तो बनते रहेंगे समझाने के लिए तो मैं हुई, क्योंकि दोस्तों ये बरसात के पहले ही काम कर लेना है,
फिर बाद में आपको क्या प्रॉब्लम होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए आपको बोला ये बरसात की पहले की वीडियो है। पहले भी मैंने वीडियो डाला था तब शायद बेंटिक्स ख़राब हो चुका था, और अभी ये जो है ब्रश तो अच्छे थे पर मैंने है एक्स्ट्रा थे तो मैंने उसको चेंज कर लिए। ऐसा नहीं दोस्तों के ख़राब हुए पर मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि पड़े रहते हैं कोई कोई फिटर छोड़ देता है वैसे, तो मेरे लिए मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल इसकी फिटिंग आप देख सकते हो पूरी तरह हो चुकी है, और ऊपर के जो बैटरी वायर का नट और उसका जो सपोर्टिंग नट है उसको भी जो रबर की पैकिंग उसको लगा देनी जिसके अंदर अंदर पानी ना जाए या ख़राब ना हो, इसलिए मैंने लगा देता हूँ दोस्तों। ये पैकिंग ज़रूरी है और ऊपर ये छोटा सा नट फिट कर देना है। चलो दोस्तों फिलहाल अभी मेरा जो स्टार्टर का काम पूरा हो चुका है और वीडियो भी आपको समझ में आ चुका होगा ये काम है कैसे करते हैं। अभी उस गाड़ी को फिटिंग करने के बाद बाकी चीज़ें आप सेल स्टार्ट मार के देख सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सेल स्टार्ट हो जाएगा पर आप गाड़ी को फोटो रोके तो आपकी कभी यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी बैटरी लंबे समय तक चले और स्टार्टर आर्मेचर और ब्रश ये भी बहुत लंबे समय तक चल सकता है। तो आप फोस्ट्रोक गाड़ी तो ये चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप होगा नहीं करना चाहिए, और यूज़ भी करेंगे तो भी आगे जाके आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस अच्छे से रहेगा। तो दोस्तों ये धीरे धीरे काम क्यों करता है क्योंकि आपको भी समझ में आए और उसकी पूरी जानकारी मेरा देना काम है। कंपनी तो आपको गाड़ी दे देती है, बाकी चीज़ें आपको करना पड़ता है, फिटर भी वो आधा अधूरा आपको बता देता है, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि फिटर लोग खाली बताते गाड़ी में खोलने के बाद ही पता चले, पर खोलने के बाद पता कैसे चलेंगे आपको ये चीज़ ख़राब है या अच्छी है, इसलिए तो ये वीडियो हम बनाते हैं। फिटिंग के लिए देख सकते हैं बड़ा सा नट है जो एलिंकी के थ्रू जो स्टार्टर और मशीन और साइलेंसर की यहाँ से अंदर डालना पड़ता है, टॉमी की ज़रूरत पड़ती है। ये साधारण अपना जो रिंग पाना है या फिर टी पाना या इस तरह ने उसको एलंकी लगती है, एलंकी यानी मतलब वो 6 की 8 की जो भी एलंकी है वो रखना है, कॉपर एलंकी, दूसरे इससे खोलने की कोशिश ना करें। इस तरह नट देख सकते हैं अंदर की बाजू में, ये देखो बहुत सारे एलंके पड़े हमारे पास, उसमें से कोई भी एलंकी जो इसको यूज़ करने के लिए हम खास अलग तरह की एलंकी और गुटकी से बनाए पाना है। अभी फिटिंग हो चुकी है दोस्तों और वीडियो भी पूरी तरह खत्म होने पे आए, तो आगे भी वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे, इसलिए आपको सब्सक्राइब और मेरे चैनल को बेल आइकन उसे दबा दें, जिसके कारण आपको आने वाली अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों कोई भी काम हो या कोई भी अड़चन हो फोस्ट्रोक या टू स्ट्रोक कमेंट करके जरूर बताना है, आपको मिलते रहेंगे ऐसे कमेंट की रिप्लाई मिलेंगी और आपका नाम भी जरूर लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं